यस गुड मॉर्निंग बच्चों एंड कैसे हो अच्छे होंगे मैंने आगे आपको मुहावरे करवा रखे हैं 20 तक करवा रखे थे मैंने आपको मुहावरे तो मैं उससे आगे आपको मुहावरे करवा रही हूँ तो उसी के साथ आपको ये भी मुहावरे करने हैं तो अपने मुहावरे का क्या अर्थ होता है यह वह वाक्य है जो अपने शब्दों का समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे का अर्थ है यह वो शब्द है जो अपने शब्द का समान अर्थ न देखे कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं हम मुहावरा ठीक है तो मुहावरा पहला है आपको वाक्य प्रयोग पहले भी मैंने बोला था अपने आप करना है अभी भी आपको वाक्य प्रयोग अपने आप ही करना है पहला है आंखों का तारा उसका अर्थ होगा बहुत प्यारा जैसे किसका वाक्य प्रयोग बन गया राम अपनी माँ की आंखों का तारा है यस नेक्स्ट चलते हैं अपने उंगली उठाना क्या होगा दोष लगाना तो राम ने श्याम के ऊपर दोष लगाया आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कमर सीधी करना यानी आराम करना सीता ने कुछ समय के लिए अपनी कमर सीधी कर ली चिकना खड़ा जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े अर्थ क्या होगा जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े राम को कितना भी खिला दो पर वह चिकना खड़ा ही रहेगा मतलब उसे कितना भी खिला दो कोई उसके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा टेढ़ी खीर कठिन काम राम के लिए नेक्स्ट के क्वेश्चन हल करना टेढ़ी खीर थी टांग अड़ाने का बाधा डालना तो राम हर काम में टांग अड़ाता था डाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना तो आज वहां पर कुछ डाल में कुछ काला है दांत खट्टे करना राना राम ने शाम के दांत खट्टे कर दिए फिर नेक्स्ट है अपने दिन रात एक करने का होगा बहुत अधिक परिश्रम करना जब शाम की परीक्षा आई तो उसने दिन रात एक कर दिए पानी फेर देना क्या होगा नष्ट कर देना तो राम ने शाम की राम पर पानी फेर दिया पानी होना यानी शर्मिंदा होना सीता की कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे वह पानी हो गई रघुने का घबरा जाना राम का यह कार्य देखकर श्याम के होश उड़ गए वह घबरा गया जब राम को चोट लगी तो श्याम के रंग उड़ गए वह घबरा गया रंग जमाना महत्वपूर्ण बन जाना सीता की शादी में श्याम ने बहुत ही रंग जमाया लोहा लेना यानी सामना करना तो इसका वाक्य प्रयोग होगा राम ने श्याम से लोहा ले लिया हाथ धो बैठना खो देना राम ने अपने प्रिय मित्र श्याम को खो से हाथ धो बैठा यस एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ आप वाक्य प्रयोग खुद अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वही बना ले आप अपनी मर्जी से वाक्य प्रयोग बनाए लेकिन आपको जो मैंने फर्स्ट या सेकंड करवाया था उसके हिसाब से पहले आपको ये लिखना है वाक्य लिखना है उसके नीचे फिर अर्थ लिखना है उसके नीचे फिर वाक्य प्रयोग लिखना है तो पहला है आंखों का तारा बहुत प्रिय एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आंखों का तारा बहुत प्यारा उंगली उठाना दोष लगाना कमर सीधी करना आराम करना चिकना करा जिस पर कोई प्रभाव न पड़े टेढ़ी की कठिन काम टांग लगाना बाधा डालना दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना दांत खट्टे करना हराना दिन रात नहीं करना बहुत अधिक परिश्रम करना पानी फेर देना नष्ट कर देना पानी होना शर्मिंदा होना रंग उड़ाना घबरा जाना रंग जमाना महत्वपूर्ण बन जाना लोहा लेना सामना करना हाथ धो बैठना खो देना यस ये तो अपने हैं मुहावरे आज मुहावरे मेरे खत्म हो रहे हैं तो नेक्स्ट में आपको प्रत्येक राउंड में आपको ये फोर्थ
तो मैं वापस से आपको रिवाइज करूंगी। प्लीज एंड प्लीज आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए और